हिंसक भीड़, पुलिस पर बरसाए गए पत्थर, निजी और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, गाड़ियों में आग, ये तस्वीरें सामने आई हैं गुजरात के जूनागढ़ से, जहां रात के अंधेरे में जूनागढ़ सुलग उठा। आखिर ये बवाल क्यों हुआ, ये उग्र भीड़ कहां से आई और फिलहाल क्या स्थिति है, हम आपको बताते हैं। दरअसल जूनागढ़ में अवैध दरगाह को हटाने को लेकर बीती रात जमकर बवाल हुआ। जूनागढ़ के मझेवाड़ी इलाके में दरगाह को हटाने के नोटिस के बाद पहुंची पुलिस पर हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस को देखते ही पथराव कर दिया और निजी सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। जूनागढ़ रियासत से जुड़े मझेवाड़ी गेट के पास एक दरगाह है। ये दरगाह काफी समय से है, आजादी के बाद से लोग इसे देखते आ रहे हैं। इस दरगाह को लेकर 5 साल पहले भी विवाद हुआ था, तब मामला कुछ दिनों में शांत हो गया था। मुस्लिम लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। 5 दिन पहले जूनागढ़ नगर निगम ने इस दरगाह के कागज मांगे, इसके बाद नगर निगम ने दरगाह पर नोटिस चस्पा की। दरगाह की वैधता को लेकर सवाल खड़े किए जाने की सूचना पर शुक्रवार को शाम 7 बजे दरगाह पर काफी भीड़ जमा हो गई। इन लोगों को हटाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो इन्होंने पुलिस पर दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने स्थिति को संभाला और सभी को तितर बितर कर दिया। इसके बाद रात 10 बजे के करीब फिर से लोग जमा हुए और फिर पास में स्थित पुलिस चौकी पर ही हमला बोल दिया। पुलिस पर पथराव के बाद स्थिति बिगड़ गई, इसमें वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को चोट भी आई। उपद्रवियों ने कुछ वाहनों को आग भी लगा दी। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस मामले पर जूनागढ़ SP ने भी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से मझेवड़ी गेट के पास जो गेबनशाह मस्जिद है उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होके। लगभग 500 से 600 लोग मझेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। अराउंड 10:15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे, तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। उधर जूनागढ़ के लोगों का कहना है कि ये दरगाह यहाँ पर काफी समय से है। मझेवाड़ी गेट की बात करें तो यह जूनागढ़ की रियासत से जुड़े प्रमुख दरवाजों में से एक है। फिलहाल इस मामले में अब तक 174 लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थिति को संभालने के लिए मझेवाड़ी गेट के आसपास के इलाकों में फोर्स को तैनात कर दिया गया है।